Oh, God.
आपको तैयार कर देगा आप लोगों ने पढ़ के फिर आप लोगों अब नवीन दर्द करने के लिए जब नवीन दर्द नहीं मिले इतनी जल्दी दूर नहीं तो आप बड़े ध्यान से और जो याद करोगे तो मन खराब भी हो जाता है और जब भूल गए तो मैं भी भूलता हूँ रोजगार नहीं रखते हो तो दोनों पर मैं ध्यान करना पड़ेगा और उसकी हो जाएगी तो भी आ जाएगी मेरे प्यार में सुस्ती हो जाएगी और ये जब पैसा याद करने के मन मोटा होता चला जाएगा अगर वजन ध्यान में लगेगा तो उनको धीरे धीरे दिन से नगर करके उसको वजन कर ताकि भाग और बंद कर सकता है इधर उधर भागता है और वजन शुक्र करता है सुनने का देखने का कभी शुरू करने का वजन करने का तो काम हो जाता है कर्म जो है उन्हीं को एक तो नए कर्म जो किए उनका हमारे साफ हो जाए और पैसे जमा हो पाए तो काम आप जो बात बोलेंगे तो कमाई हो जाएगी वही उसका जल आधार है काम खड़ा है काम की सब्जी और उसका जला दे छोटा पाप में छोटा में छोटा करो या बड़ा से बड़ा पाप बड़े तब वो याद इसलिए भजन करोगे जमा बाहर जो कर्म करोगे तो जमा नहीं होंगे क्योंकि उनकी रोज सफाई झाड़ू लगाओगे जो गंदगी आती है नहीं गंदगी आई तो घर पर लोग झाड़ू लगा कर काम कर जो भी गले सफाई कर देते हैं तो नहीं रहता है घर साफ इसी तरह से रोज अंतर कर्म की सफाई करो तो इधर की सफाई कोई चीज मानो होगी तो ये काम होगा अंतरण निर्मल होगा तो मन और चित्त और बुद्धि कितना निर्मल हो जाए तो दिखाई नहीं पाए तुम प्रार्थना करो दरवाजे तुम दरवाजे तुम्हारे तुम्हें नदी के किनारे नहीं है स्थल है सागर है मृत्यु का आपको बताया गया कि जीवात्मा को बैठाओ और उठा उठाओ सब लोग बचपन जाते दूर लाभ तुमने पाया क्योंकि तुमने उसको पाकर के कुछ किया था तो आगे अगर तक तुमको मिले तो क्या करोगे करोगे क्या जब अभी नहीं कर सके तो आगे मिले तो इसलिए जो कर आपने जमा किए उसका मौत हो जाएगा तो यह कर दुर्लभ आपको मिला और कितने कितने पूरा दो जन्मों तक थोड़ा तीन भ्रमण करते रहे वो गांधी पूरा मनुष्य माने तो इसको हमको सुख नहीं देता कुछ करना है कुछ बात तो
तुम्हारे काम आने वाली चीज है, तुम लग रहे थे रोज रोज के रोज ये इकट्ठा हो, ये इकट्ठा हो, ये जमा हो जाए, जमा हो जाए, हमको आराम मिलेगा, हमको आराम सुख मिलेगा। जमा कर दिया तुमने बहुत और तुम्हें पूरा हो गया तो मकान तो दिया, तो दिया कभी कोई वगैरह दिया सकता था। ये जानी राजा रैयत कोई दुर्गा शरीर और तुम्हारे शरीर के द्वारा गड्ढा खोलते गए रही मदद करता हूँ तो जलाओ तो जला के प्राप्त हो गड्ढा खोल से करवा दिया। ये सवाल जो तुमने इतनी मेहनत से इकट्ठा कह रहे हैं थोड़ा जो तुम्हारे काम में आया सबको हिदायत करते हैं जाओ जाग जाओ, जो तुम मोर से रात्रि में सो रहे हो एकदम से होश में आ जाओ और जाओ गुरु के पास। रास्ते जाते जाते मां के दिन हरि भक्ति भक्ति पाठ की करो और भक्ति भक्ति कहते हैं आगे आगे तो जाए इसका आगे और क्या है कर्मचारी के बात है जो काम करते आगे हो गया आगे पूरा नहीं किया उल्लंघन कर दिया पूर्ण सबसे सुन लिया। इसी तरह से चेत हो जागो और जिन जिन कहते हैं गुरु के पास जाके भक्ति कमाओ, भक्ति कमाने से आपसे इसका उल्लंघन नहीं होगा और नहीं भक्ति कमाओगे तो फिर नहीं सुनोगे बच्चे नहीं सुनोगे चित्त में डरोगे नहीं तो भक्त नहीं सकता जो उल्लंघन करता तो कभी भक्त और जो आदेश का पालन करता हो ऐसा वक्त अपने भी कर्मों को साफ कर देता हो अब कहते हैं ना देखते कि भाई तुम भक्ति करना तो भक्ति करना गुरु और मार किसी से देना इसकी भक्ति करो तो मार ये जानता है वो बताएगा पर जो उनकी कर रहे उसके आगे उनको पास कर ये एक काम दूसरा ये कि उसको पकड़ लो ये बात गुरु ना हो गुरु अंदर जाने आने वाले नहीं है कहते तुमने उसको गुरु कर लिया झूठा संबंध है झूठा नाता तुम कहते गुरु अंदर और जेल अंदर और हो एक बार तुमने ठीक अब उसको तो मारो नहीं तो फिर रिश्ता नहीं तो बताएगा क्या सरेब रास्ता क्या बताएगा क्या कराएगा क्या ध्यान कराएगा जो ऐसा गुरु नहीं है और तुमने उसको नाता जोड़ दिया मैं झूठा तुम्हारा भला नहीं होता तो तुम्हें तुम्हारा खराब गुरु शरीर तुम्हारा जिस काम के लिए बना तुम पहचान बताते कि सत वेदी गुरु नाम की कमाई वाला गुरु
जो ऊपर आता जाता है और मालिक का घर सुविधा करता है वो डूब जाए और नहीं बना तो मैं आपको दिया गया उतना ही है तो भी पूरी उतनी है चाहे जैसे भी खर्च करो पूरी खत्म नहीं होना चाहिए उसी पूरी के अंदर जो सौंप होगी जो सांस निकलती आती जाती ये तुम्हारी पूरी है सभी टिकेगी और पूरी खत्म हुई तो ये दोनों चुपे की ढोकनी है ऐसे हो जाए तो रहेगी जो बात नहीं और अंदर आए खत्म होने पर पूरी मदद टिकी पूरी खत्म हो जाती एक क्षण में इतना नहीं रह सकती पूरी का ही आधार मदद हुए सब लोग और लोग को निकलेगा और लोग को मिलेगा ये जैसा है उसको वैसा जब मिले तो बोलो और सर्दी का दिन बताएगा और वो ऐसा नहीं हुए तो झूठा रहता है झूठा नाम चले और उनको बड़े बुजुर्ग हमारे पिता दोनों में दो ना उसको गुजरात होने बेटा ना उसकी अति होगी ना उसकी अति होगी तो दोनों का जीवन बर्बाद हो गया संत का भेद बताएगा कि संत कहाँ फैलता है नाम कहाँ से आवाज आ रही है कर्मा आए थे कहाँ से उतर रहे हो तो गुरु वेदी ही बताएगा कि वहां से नाम को पकड़ो तो वहां पहुंचो नाम को पकड़ो तो वहां पहुंचो तो वो सब जगत का आज मंडलों का लोगों का भेद बताएगा जानता नहीं है उल्टी क्रिया जैसे कबीर बनती है तो उल्टी क्रिया शुरू हो गई सीधा था रास्ते घर जाने का उल्टा हो और फिर इन सब रातों में फिर वही आकर की उलट गई अंदर का वेद जो जाता सब पर तो पता था और जब नहीं डुब दिए तो जमीन जा सकते अपने संभालने में लग जाओ मैंने मनुष्य से लेकर के और शत्रु का तंत्र बताया और शत्रु से लेकर के ऊपर अनाप पत्र हमने भेद बताया कि जय गुरु उसका भेद बताया रास्ता उनसे रहना चाहिए तो रहना चाहिए और फिर कर्म जब दवाई न करके इन कर्मदेवों से करोगे तो जल्दी एक काम हो जाएगा सुन चाहिए पर अगले सुख रहे आना सुना में कभी किया कभी नहीं किया कभी दर्द से छूट गया कभी कोई नहीं छूट गया तो सुन कर दिया नहीं आ गया तो वैसे यार भाई जब रास्ता वही है तो सदा उसको चलते बोलते उठते बैठते हर काम में उसको याद रखो सबसे तुम्हारे मन में मतलब है कि क्या होगा यदि कमान जड़ी है तीर जल जाएगा और कमान उतर गई तो फिर जीवन वाला नहीं शरीर स्वस्थ हो गया तो मैं सुरक्षित कर सकती हूँ तीर मन और कमान जड़ी है करो 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 जल्दी करो जो बताया सीधे शरीर छूट जाएगा तो आपको ये याद रखना ये सब से नहीं मिलेगा आप बीमार भजन के लिए दिए जा रहा कहते हैं देखो भाई सबकी भलाई के लिए आगे जवान के मैंने गुरु को पहचान बता दिए ऐसे गुरु की खोज करो तो कर जगह तो मिलेंगे नहीं गाँव के खाती में बहुत सारे रहते चलो हम जाएगा अयोध्या में बहुत रहते यह मतलब यह है कि हरिद्वार में बहुत रहते वहां देते तो वहां घूम कर थोड़ा काम हो जाएगा ऐसा थोड़ी हो जाएगा तो मैंने सब पहचान बताई
उनको कोई धोखा नहीं। ऐसे गुरु की खोज आपको जगह जगह जब जा करना और सत्संग सुनना और जहाँ जो चीज मिले होंगे वहां मिल जाएगी, वो तो मिल जाएगी, उनको शॉपिंग मिल जाएगी। लोग यहाँ इधर उधर घूमे तो जाएंगे तो स्वागत कमावे तो गुरु पूरा उन चरणन की हो जाए। जो संत की कमाई नाम की कमाई करता है जो कहते हैं गुरु पूरा, और जिसके नाम की कमाई नहीं की वो तो गुरु अधूरा भी नहीं, पूरा कहते नाम की कमाई। क्योंकि नामी तो तब भी आया प्रति से आवाज तक तो बता दी गई और दोनों हाथों के पीछे आवाज देके बैठी थी, क्योंकि जब सुपन जो फंस गए तो आवाज छूट गई। अब जो आनंद की आवाज जो छूट गई अब इतने आनंद ढूंढते इन चीजों को क्या प्रेम में आनंद है, सच बगाड़ो ना पकड़ो उसमें आनंद वो छूट गया। अब बिना भेजी के मिलेगा नहीं, अब जोड़ने वाला होगा उससे जोड़ेगा, ये प्रोग्राम अरे भाई बच्चे बच्ची का संबंध होता है जुड़ने का और क्या रहता भारत का धुंध कर दिया ऐसे तुरंत सत्ता का चल तुरंत सत्य अलग हो सदा स्मान हो जाता जो बच जाएगा तो विज्ञान पड़ेगा होता जाए उसको जाते दरवाजे पर तो बैठो और पहचान करो मत कोई लाच अलाचन देखो, कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है कि जानता है क्यों हिंदू है क्यों अर्जुन है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, अनेक जातियां हैं, ये पहचान करने जरूरी जिस तरह के कमाल जैसे है कि कौन तो पकड़ तुमको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं। और जब ढूंढते रहोगे ब्राह्मण मिल जाए क्षत्रिय मिल जाए या हमको मुसलमान ही मिल जाए नाम पे ले लो आवाज का भेद लेकर के फिर तू सब से मन से मन उस मंदिर में बैठ करके कमाई करो, जब तन और मन लगा दो तो तुरंत काम कर ले लो तो तुरंत चेतन है, बाकी है सब जड़े मन भी जड़ है बुद्धि भी जड़ है चित्त भी जड़ है और शरीर भी जड़ है और ये तत्व है अपने अपने तत्व में ये सब मिल जाएगी। अपने जल पृथ्वी अग्नि भाई का आवाज करते हैं वहां मतलब छूटेगा तो अपने मन में मिल जाएगा, ऐसे ही मन अपने जा करके मिलेगा ये तो अपनी जगह बुद्धि अपनी जगह तुरंत निकाल लेते उसका रिम तो अकेली आई अकेली ही वहां मिल जाएगी, यहाँ लगा दिए झगड़ा ताकि ये झगड़ हो जाए और वो करके घर हो जाए अलग अलग आपको कर दिया आप न जानने के कारण कुछ दया पालो चौरा भाई औरों की दया तो छोड़ दो अपने जीव की दया तमाम इस पर दया करो चौरासी नरकों में जाने वाली जरा से धोखे में थोड़े चारों खाने पशु बच्चों की उन्हें बंद कर रहे और फिर वहां से आना कि दोनों शरीर में तुम्हारे कोई कर्मी नहीं तो कितने जुग बीत जाएंगे वो जीवा तो है और मुक्ति दे मुक्ति ने चिल्ला के लिए कोई सुनने वाला नहीं। नर कंठे अति दुख पाई हो अग्नि
करता है तो मतलब यह है कि उसको सजा मिल जाती है, तो जेल में जाके भोगता है। अब रोता है लेकिन कारगर कब होगा, जब सजा पूरी हो जाएगी तब छुट्टे में ले सकते छुट्टी। इसी तरह जो सजा है लड़को की सजा चार कानून की सजा, सजा सजा पूरी होगी पड़ी छुटकारा पाओगे, फिर यही दर्शन मिलेगा बृहस्पति कुछ गड़बड़ी की मौका घर जाने के मिले जब छड़ी कारण दे और जैसे ये पूरा हुआ और शरीर छूटा तो सरा के लिए दुखी हो और तुम्हारे लिए एहतियात किसी तरह से यह घर शरीर काम मिले, ये उनकी दया कि अब बीमारी काम मिले तो दर्शन से निकल गए यहां से तो निकले बार 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 तुम मिलेगा नहीं डर देख रहे देख भी रहे तब समझ ही और बार बार समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। बहुत दिया छोटे छोटे नदी नाले तालाब ये सब की पूजा हो गई
और गुरु की गुरु पूजा करते देवी देवता जिसके भी कर और गुरु को नहीं पूजा कितनी पूजा ना ब्रह्मा की ना विष्णु की ना शिव की कितनी पूजा और गुरु ब्रह्मा से मिलता है विष्णु से मिलता है शिव से भी ईश्वर से मिलता है देवी देवताओं से मिलता उनकी पूजा में सबकी पूजा वो करना चाहिए तो वहां पर कहते हैं क्यों भ्रम में हो ये भ्रम है अज्ञान का निर्विकार देवी देवा इस महेशा सूरज से सरकार अभी सुरमा में सुमा दे तो देवी देवता ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनाम इन लोक और चलता ब्रह्म सतनाम तपो गुरु सेवा में सबकी सेवा रंजक भर्म मानो जो सेवा करते हो देव को पालो जो करते हो सब जब उसमें की लीला बताया गया बताया गया अब ये वेद को जानता नहीं फर्क बदल कर तुम क्या करोगे जब तुम्हारा मन मोटा और भिखारी हो गया तो फिर कोई बात नहीं अगर तुम अपना कलर नहीं कहते हो अगर ताते बार बार समझाम गुरु की भक्ति चिन्ह चिन्ह कहते बार बार समझाता हूँ आप उनको तो कह करके चले जाते तो कहते हो बार बार तुम वो समझाते हैं गुरु की भक्ति का जो ऐसा गुरु चंद्रवती नाम ले ली जिसके मालिक को पाया है उन गुरु की जरूरत है और उनसे वचन का पालन कर बार बार जगा रहे शिकार का हो सकता गुरु मुख हो गुरु आज्ञा पर गुरु मरती एक चिन्ह में उनकी आज्ञा का आत्मपालन किया तो गुरु बन इसको कहते हैं सच्चा गुरु बन उससे कितने लाभ होते मानो कि जिस दिन त्योहार आता है तो आप व्रत रखते हैं रोजा रखते तो किसके लिए शरीर सुख हो जाए तो जो चीजें शरीर को अशुद्ध करने वाली उनको छोड़ देते हो और वो चीज देते हो जब सुख हो जाए उसी को खाते हो तो ये खाओगे तो शरीर सुख उन चीजों को खाते रहते हो अपने अशुद्ध हो जाता है इसी तरह से कहते हैं सेवा पर धर्म के लिए तो मन बुद्धि चित्त ये सब चीजें अंतःकरण सर्वोत्तम उसकी सफाई तो ये धर्म करने से कहते सफाई अपने अंतःकरण सफाई मन की और जब मन बुद्धि के निर्मल हो गए तो वो सुखा उसका दर्शन करते ये गंदे रहेंगे तो दर्शन नहीं क्योंकि पर्दा समाज के ऊपर छाया रहेगा और पर्दा होने से कुछ दिखाई नहीं देगा जब निर्मल हो जाएगा मन बुद्धि की चर्चा कर तो पर्दा साफ हो जाएगा गुरु महिमा मैं कहा लगी गुरु समान कोई और तो गुरु की मामा के मारो कोई उनके सवाल किसी को देखता ही सब उनसे झूठे क्योंकि अनाम पर तो सब झूठे तो उसी ने तो ये सब किया है उसी का ये सब खेल है और वो सागर है अपार अपार है उनके सामने से सब झूठे देवी देवता तो उसी के भेजे मैं उनको बढ़ाता जो वहां और वो वही है जो वहां है वही यहाँ है और यहाँ से वहां ले जाए उसके लिए कहते ये वही है उसमें कोई असर नहीं गुरु अद्भुत है सब मत माही गुरु से
हुआ छोटे मुसलमान जाते ईसाई बाजे छोटे छोटे लोगों का लेकिन अब वो ये पूजा कैसे करना और किसके करना वो इसको भटक गए पूजा तो सब है नाम निशान तो सब है कि गुरु की पूजा कर रहा गुरु की पूजा कर रहा जैसे गुरु गुरुआ होती है तो उसमें गुरु पूजा होती है इसलिए मना तो चले तो मना तो लेकिन किसकी पूजा करना और क्या तक होना चाहिए ऐसे ही मुसलमानों को ईसाइयों में भी ऐसा ही लेकिन गुरु तो सब जगह है और वहां सबकी पूजा का चिन्ह है अब कैसा बनना चाहिए सबको गुरु को हुकूमत जग की धन हाकिम के सवाल देते हैं जैसे जो राजा है और जो अधिकारी कर्मचारी तो जो आदेश करता है उसको नहीं पान दे आदेश बिगा दे कह रहे तो मैं सहयोग नहीं हूँ कि राज में कोई कर्मचारी कोई चपला नहीं या कोई अधिकारी और मुश्किल बात है आदेश का पालन करोगे तो रखेगा ऐसा ही है कि आदेश का पालन करो तो गुरु क्या करेगा पालन आप बोले घर जहाँ घर है आपको तो करना चाहिए नहीं आता है रस्तों के ना बैठक नहीं तो घर लोग है ना रस्तों तो पढ़े हैं सब पढ़े हैं घर जहाँ है वो तो गुरु जाने का वो जाता है आता है जाता है वो नहीं जाता बड़ाई के लिए कितना तक करते हो और रात दिन खड़े रहते हो तो गुरु सेवा कितनी की तो कुछ नहीं गुरु सेवा कुछ भी नहीं और आगे की सेवा रहेगी धन भी अपना गया धन भी अपना चला गया रात और जगह भी खाना भी चला गया खाना भी जोड़ दिया और सेवा करते हो इसलिए के मन का ही प्राप्त ये हमसे होते इसलिए तो आप इतना ही डरते हो कि हम अगर उनके आदेश का पालन करेंगे तो हमें प्रसन्न हो जाएगा उल्लंघन करेंगे तो नाराज होगा ये नहीं बनता तो हमारी प्रयास छुटकारा होगा इन दुखों से तकलीफों से खुश हो जाएगा तो और नाराज हो गया प्रसन्न होगा तो मैं अभी शिव पर रह जाएंगे तो प्रमाण देते कि तुम आत्मों की सेवा कैसे करते हो अपना धन धन सब कुछ कर चुका कितना धन उठाया लेकिन किसके लिए मांग उठाई अगर बात बड़ा या पुरुष लिए आप तो उसे क्या होने वाला आज्ञा उसकी अगति घर से खान पान निद्रा भी कहते हैं कि आज्ञा उसकी सिर पर रखते हो और खाना पीना भी छोड़ करके और बस निद्रा ना कर सकते हो और आज्ञा उसकी करेगा गुरु कहते थे कहते चार रात को भजन करता हूँ अगर बात लगी रहे कि भाई हमको मन बढ़ाई हमारा कल्याण हो जाएगा हम घर पहुंच जाएंगे दुखों से छुटकारा होगा अगर हम मन से बचत हो जाएगी तो वो बुद्धि तो उसमें आप गई जब विवेक में बुद्धि में विवेक रही तो पकड़ रही है और पकड़ोगे जब तक वचनों को तब तक काम ये करते हो धन जोड़ किया क्या भाई तलाज में दिया उड़ा मैं वो धन तुमने जोड़ा जरूर इकट्ठा किया लेकिन इसी लोग लाज इसी बड़ाई के लिए मैं रहे जैसे के वैसे विकारी रहे गरीब प्रधान देवी देवता होगी दीन गवाई और दुनिया
इधर भी ऐसा तुम घर के तो बात नहीं बर्बाद भी नहीं हो बात तो धन कारण हाकिम सेवा ऐसी करते क्या कम सेवा उनको क्या कहे तो धन पे हाकिम हो गई सेवा करते इतना करते सेवा के बस जब तो गुरु सेवा जो सदा पाई ताको ऐसी गुरु की सेवा जो सदा लाभ करी हर बार तुम लोग कुछ दिखा रहे थे कि नहीं तो इधर जाएंगे हम आपकी बात सुनूंगा अरे कितना बड़ा पद मिलेगा गुरु की बात से कितना बड़ा पद कल मिले बैकुंठ मिले ऊपर जाओ तो छुटकारा हो जाए तुम्हारा यहाँ से अपने घर पहुंच जाओ तुमसे बड़ा पद उसका दास सागर है आनंद का ज्ञान का शक्ति का रूप हो जाए जब तुम समुद्र में घूम दो उसमें नदी नारे गिर जाएंगे तो नदी नाला कोई नहीं कहता उसको समुद्र कहते ऐसे सुनते हो समुद्र सागर में जब जाके नए हो जाएगी तो उनको कौन रहेगा वो तो पहले तो सागर है ठीक यही बात बाकी नदी नाले सब के लाते हो दिन नहीं पास मास नहीं बरसा कभी न दर्शन को बात देते हैं कि दिन भी गया उसमें दर्शन को बंद है और हफ्ता भी चला गया उसमें पंद्रह दिन भी गए उसमें कुछ नहीं यादें नहीं किया महीना भी चला गया और छह महीने भी चले गए और साल मुझे दे मैंने जरा भी याद दिए कि हमको वहां दर्शन कर रहे ये सब पत्थरों पर जाना है जरा कोई मन उठता नहीं कितना बोलो कहो कैसे तुम्हारा उद्धारा नरक निवास दुख चौरा ये बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे और फिर तुम जब नहीं सुनते हो नहीं मानते आते आते नहीं हो तब जाओ चौदह दुखों के चौदह इतनी खतरनाक जानो और उन्हें चिल्लाने लगी कि मैं तुमको कौन बचाएगा